कंप्यूटर ज्ञान ए टू जेड की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं करीम। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। YouTube के आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे YouTube वीडियोज के लिए थंबनेल बनाना और साथ ही पेंट एप्लीकेशन की सहायता से थंबनेल की साइज, कलर आदि डेकोरेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें तथा नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube के पार्ट 4 में हमने सीखा था कि YouTube चैनल को डेस्कटॉप स्क्रीन की तरह ओपन करना और थंबनेल लगाना, और साथ ही हमने सीखा था कि YouTube पर वीडियो अपलोड, डिलीट आदि करना। आइए अब सीखते हैं YouTube पर पेंट एप्लीकेशन की सहायता से थंबनेल बनाना, साइज, कलर आदि डेकोरेट करना। पेंट एप्लीकेशन खोलने के लिए सर्च बॉक्स में हम पेंट पर क्लिक कर, ये देखिए पेंट आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके रिसाइज करेंगे, जिसमें पिक्सल चुनेंगे और हाइट 640 और विड्थ 360 चुनकर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे तो उसके लिए यहाँ कलर चुनकर बाल्टी से क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा डार्क कलर है, इसे हम एडिट थोड़ा करके हल्का कर लेते हैं, ये देखिए इतना। अब ओके पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए थोड़ा लाइट कलर आ गया। अब हम टेक्स्ट चुन लिखेंगे ये। अब उसके बाद यहाँ से हम लैंग्वेज चुन लेंगे, ये हमने कैलिब्री में ये वाला चुन लिया, ये देखिए। अब हम लिखना शुरू करते हैं YouTube, ये लिखा। अब इसको एरो की से शिफ्ट के साथ बैक करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे और कलर डाल दिया, ये देखिए ये रेड कलर हो गया। अब हम हिंदी फॉन्ट चुनते हैं, यहाँ पे अब हम कृति देव 101 चुन लेते हैं, ये यहाँ पर ये 101 ये चुन लिया। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं के लिए। इतना लिखने के बाद अब इसको हम हर शब्द को अलग अलग कलर दे देते हैं, ये देखिए इसको ब्लू दे दिया और इसको ग्रीन कलर दे दिया, ये देखिए। और साथ में इसके अलाइनमेंट को थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, ये इतना, ये एकदम सेट हो गया, ये इतना। अब इसके बाद हम फिर से टेक्स्ट लिखते हैं और उसके आगे इसके लिए ए पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इतना खींच दिया। अब लिखते हैं यहाँ पर थंबनेल कैसे बनाएं, ये। अब इसका भी कलर अलग अलग कर देते हैं हर शब्दों का, ये इतना हो गया। इसको भी अब एकदम इसके सेंटर में लगा देते हैं, ये इतना, ये देखिए इतना हो गया। अब इसको भी अलग अलग कलर दे देते हैं, ये ग्रीन कलर दे देते हैं इसको, ये नीला कलर ठीक रहेगा, ब्लू कलर, ये हो गया। अब हम और टेक्स्ट एक लेते हैं यहाँ से। अब इसी चीज को हम टोटल इंग्लिश में लिख देंगे तो इसके लिए अब फिर फॉन्ट इंग्लिश का चुनेंगे, ये कैलिब्री में कैलिब्री एमटी चुन लिया। अब यहाँ लिख देंगे हाउ टू मेक थंबनेल, ये थोड़ा साइज इसकी बड़ी भी है तो थंबनेल लिखकर अब इसको पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा साइज इसकी छोटी कर लेते हैं, ये लगभग इतना, हाँ
इतना ठीक रहेगा। अब उसके बाद इसको भी अलग अलग कर दे देती हैं। यहाँ आप मेक को हमने कर दिया ये, और अब थंबनेल को भी अलग कलर दे देते हैं, ये हमने ग्रीन कलर दे दिया। और ये हो गया, इसका जो बाउंड्री है थोड़ा पतला कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इतना हो गया। इसको भी अब बीच में एकदम सेट कर देते हैं, इसके सीध में सेंटर में। ये देखिए हो गई। और ये जो रूलर है ये किस तरीके से आता है आपका, उसके हिसाब से आप सेट करें। अब यहाँ पे और लिख देते हैं फॉर यू टू, इसको कलर चेंज कर देते हैं रेड कलर, और साथ में इसकी थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ये 48 कर दिया। ये हो गया। अब इसको भी सेट कर दे रहे हैं, तो उठाकर ये लगभग इतना ये सेट हो गया। अब यहां से हम एक एरो ले लेते हैं सिंबल का, ये इतना ले लिया, इतना छोटा, ये ठीक रहेगा। और इसको थोड़ा सा पीछे अब खींच लेते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन का कलर हम दे देंगे, ये सॉलिड कलर चुना। उसके बाद यहाँ से हम चुन लेते हैं ये ग्रीन कलर। अब उसके बाद इसको इसके अंदर कलर फिल कर देंगे, ये ब्लू कर लिया। उसके बाद फिर कलर इसके अंदर फिल करेंगे, ये देखिए कलर फिल कर दिया। अब उसके बाद बॉर्डर ले लेते हैं, ये हमने बॉर्डर लिया, इसको अब खींचेंगे ये यहाँ तक, ये इतना हो गया। बस इतना करने के बाद इसको अपसेट कर लेंगे बाउंड्री थोड़ा सा, ये इतना ठीक। बस उसके बाद इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं, ये हो गया। अब हम फाइल पर जाएंगे, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं रिसाइज एक बार, कहीं चेंज तो नहीं हुई है, पिक्सल देखकर इसको अनचेक कर देंगे। अब ओके पर क्लिक करके फिर जाएंगे फाइल पर। अब यहाँ से सेव एज में हम इसको PNG चुनेंगे। अब इसमें इसका हम नाम दे देते हैं ये हाउ टू मेक थंबनेल्स, ये डाल दिया। अब इसे हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पर, ये डेस्कटॉप पर क्लिक करके अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमने सेव किया था, ये आगे इस पर हम क्लिक करके ये ओपन कर रहे हैं, ये देखिए ये अब हमारा थंबनेल अच्छा बन गया। यूट्यूब के आज के इस अध्याय में हमने सीखा यूट्यूब वीडियोज के लिए थंबनेल बनाना, और साथ ही पेंट एप्लीकेशन की सहायता से थंबनेल की साइज कलर आदि डेकोरेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, तथा नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।